आईपीसी की धारा 8 बात करती है लिंग अर्थात जेंडर के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बार सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। आईपीसी की धारा 8 लिंग अर्थात जेंडर, पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी। अर्थात पुरुष सूचक शब्द वह, उसका, उसके आईपीसी में जहां कहीं भी दिए गए हैं वह शब्द स्त्री के लिए भी उपयोग किए जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे यह समझते हैं कि ये पुल्लिंग वाचक जो दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है। पुल्लिंग वाचक वे शब्द जो पुरुषों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उदाहरण वह हत्या करने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करता है, लड़का है, पुरुष है, इसलिए लिखा है करता है। और स्त्रीलिंग वाचक क्या होते हैं? वह शब्द जो स्त्री के लिए उपयोग किए जाते हैं, उदाहरण वह हत्या करने का प्रयास करती है। मतलब पुरुष है तो करता है और स्त्री है तो करती है। अब ये उदाहरण में वह यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, और नीचे के उदाहरण में वह यहाँ पे भी दिख रहा है। हिंदी में मतलब सेम होता है, लेकिन जब इंग्लिश में बात करते हैं तो वह का मतलब लड़के के लिए ही होगा और लड़की के लिए शी होगा। तो इस सेक्शन में यह पुल्लिंग वाचक शब्द यही स्पष्ट कर रहा है, अर्थात यही बता रहा है कि जहाँ कहीं भी आईपीसी में वह शब्द पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया है उसको ऐसा समझा जाएगा कि वह शब्द वह स्त्री के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो यह सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी बस इतना कह रहा है कि यदि किसी पुरुष को संबोधित करते हुए कोई पुल्लिंग वाचक शब्द दिया गया है किसी सेक्शन में, तो उसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह स्त्री के लिए भी संबोधित किया गया है वह सेक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा है वह हत्या करने का प्रयास करता है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वह स्त्री के लिए भी लिखा है, भले ही वहां पे अलग से ना दिया गया हो, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि वह स्त्री को भी संबोधित कर रहा है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं आईपीसी की धारा 306, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, ध्यान दीजिएगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब ये शब्द जो है करेगा, जाएगा, होगा, ये शब्द क्या है? पुरुष को संबोधित कर रहे हैं कि कोई पुरुष होगा जो दुष्प्रेरण करेगा, दंडित किया जाएगा, दंडनीय होगा। यदि महिला होती तो क्या लिखा होता? दुष्प्रेरण करेगी, दंडित की जाएगी, दंडनीय होगी। लेकिन सेक्शन 8 धारा 8 यही कह रही है कि भले ही यहाँ पे पुरुष को संबोधित किया गया हो, करेगा, जाएगा, होगा, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि स्त्री को भी वहाँ संबोधित किया जा रहा है। अब दुष्प्रेरण जो है वो तो पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे संबोधित किसको किया गया है? पुरुष को किया गया है कि दुष्प्रेरण करेगा, दंडित किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 8 ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी ऐसे पुल्लिंग वाचक शब्द यदि आते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वह स्त्री के लिए भी उपयोग किए जा रहे हैं। अब ऐसा करने के पीछे कारण क्या है कि जैसे यहां पे लिखा है कि दुष्प्रेरण करेगा, अब यदि स्त्री के लिए भी यूज कर दिया जाए तो क्या लगाया जाएगा यहां पे? करेगा या करेगी, दंडित किया जाएगा या जाएगी, दंडनीय होगा या होगी। अब यदि ऐसा लिखना पड़ेगा तो आईपीसी के पेज क्या है, डबल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक सेक्शन अलग से बना दिया और बाकी सब सेक्शन सिंपल तरीके से लिख दिए गए हैं, यही इसका कारण है। तो कुल मिला के धारा 8 यह कह रही है कि जहां कहीं पुरुष को ऐसे संबोधित किया गया है वहां अर्थ यह लगाया जाएगा कि स्त्री को भी संबोधित किया जा रहा है। और यदि किसी सेक्शन में अलग से स्पेसिफिकली यदि दिया गया है स्त्री और पुरुष, तो फिर वहां पे यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा। वहां की जहां कहीं भी ऐसा लिखा है उसका, उसकी, वह, तो यही माना जाएगा कि वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संबोधित हो रहा है, भले ही उसमें पुरुष का संबोधन ही किया गया हो। तो होप गाइस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक धीमोले आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।